नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहुंचाएंगे, जहां पर खबरों में बात होगी। यहां पर आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने इशारों में पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया है, क्या कुछ कहा है जानेंगे। और वहीं हरियाणा बीजेपी में जबरदस्त भूचाल आया हुआ है, मुख्यमंत्री के सामने ही नेताओं की जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली है। इसके साथ ही अमित शाह पहुंचे जम्मू कश्मीर के दौरे पर, जबरदस्त विरोध हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये भी अपडेट आ रही है, विस्तार से खबर को जानेंगे। और इतना ही नहीं, भाजपा की पर जबरदस्त काले कारनामे सामने निकल के आए हैं। कांग्रेस की सरकार ने पोल खोल दी है दोस्तों, फाइलें गायब हो चुकी हैं, क्या कुछ अपडेट आ रही है, एक एक करके इसी प्रकार की तमाम खबरें जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो खुद ही मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर न है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग भी यही मांग करते हैं दोस्तों, हरियाणा और यहां पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव में 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो पाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में है या फिर बैलेट पेपर के जरिए। दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, विधानसभा का चुनाव होना है, पहला चरण यहाँ पर काफी नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और यहाँ पर ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है। आज से अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर, बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो जारी करेंगे। और वहीं बीजेपी के कई नेता यहां पर पार्टी से नाराज हैं, अमित शाह को विरोध का सामना करना पड़ा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री आज यहां पर 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर वे बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह आज कश्मीर घाटी का भी दौरा कर सकते हैं, ऐसी खबर है। लेकिन इस बीच बीजेपी की अंदरूनी कलह जम्मू कश्मीर में सामने निकल के आ चुकी है, कई नेता यहां पर बागी हो चुके हैं, उन नेताओं को भी मनाने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। लेकिन जिन नेताओं को टिकट नहीं मिली है वे बागी हैं, उनका साफ कहना है कि वे चुनाव लड़ेंगे, भले ही अन्य पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े, लेकिन अमित शाह को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, देख सकते हैं कि भाजपा 240 पर सिमटी है, उसके बाद में अमित शाह का कद पार्टी के अंदर यहां पर और भी कम हो चुका है, उनकी अब इतनी नहीं चल पा रही है पार्टी के अंदर, ये खबर आई है दोस्तों। ऐसा आपने हरियाणा के अंदर टिकट वितरण में भी देखा है, जहां पर खट्टर की चली, अमित शाह की नहीं चली। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपडेट आ रही है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से, उन्होंने ऐसा बयान दिया। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल इशारों में मोहन भागवत ने बड़ा इशारा कर दिया है और कहा कि आप भगवान हैं या नहीं, इसका फैसला खुद नहीं लोगों को करने दें। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि यहाँ लोग तय करते हैं कि अपने काम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को भगवान माना जाना चाहिए या नहीं, वह शख्स ये बातें खुद तय नहीं कर सकता है, हमें यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं, सीधा इशारा पीएम मोदी की तरफ ही है। चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर पीएम मोदी ने कई ऐसे बयान दिए थे, जिसमें वे यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि वे नॉन बायोलॉजिकल हैं, जिस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन तंज भी कसता है। और अब तो मोहन भागवत ने भी इशारों में साफ तौर पर कह दिया है कि खुद को भगवान नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, आप लोग भी अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा खबर को लेकर के। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि चौंकाने वाली खबर है। टिकट न मिलने से नाराज हरियाणा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करण देव कांबोज को मनाने पहुंचे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से यहां पर हाथ नहीं मिलाया है कंबोज ने, और जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो चुका है, यानी कि नेताओं में जबरदस्त नाराजगी है, उनको टिकट नहीं मिला है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और अब माना जा रहा है कि वे भाजपा छोड़ करके कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कई नेता यहां पर भाजपा अब तक छोड़ भी चुके हैं, लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है, बताया जा रहा है कि 20 से भी ज्यादा नेता छोड़ चुके हैं भाजपा, और ये लिस्ट और भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसमें मौजूदा सांसद भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये खबर आई है सामने। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपडेट आ रही है बहुत ही बड़ी यहां पर।
विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। कुश्ती के बाद अब सियासत में एंट्री हो चुकी है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है, यानी कि भाजपा की मुश्किलें हरियाणा के चुनाव में और भी अब बढ़ती हुई ही नजर आएंगी दोस्तों। ये खबर आई है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आ रही है जहां पर आरक्षण के मुद्दे पर विवाद और भी गहरा गया है। एनडीए सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर। बिहार में आरक्षण पर विवाद गहराया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और केंद्र सरकार को किया तलब। आप लोगों को बताते चलें, यहां पर जातिगत जो जनगणना बिहार के अंदर हुई थी उसके बाद में आरक्षण की सीमा 65% तक बढ़ाई गई, जिसको हाई कोर्ट ने यहां पर रद्द कर दिया और रोक लगा दी। लेकिन मामला अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों। जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ में गए, हाई कोर्ट ने इसको यहां पर रद्द कर दिया या कह लीजिए रोक लगा दिया। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तेजस्वी यादव खुद यहां पर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में और बिहार सरकार भी अब मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है दोस्तों। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है सामने निकल के कर्नाटक से, जहां पर कोविड घोटाले की फाइलें गायब हो चुकी हैं। भाजपा शासनकाल में मरीजों का पैसा हजम, भाजपा का जबरदस्त भ्रष्टाचार सामने निकल के आ चुका है। कर्नाटक में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के नेतृत्व में राज्य में भाजपा शासन के दौरान कोविड के लिए करोड़ों रुपए के धन का कथित दुरुपयोग सामने निकल के आया है। इस मामले पर जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा की एक प्रारंभिक रिपोर्ट पर कैबिनेट ने चर्चा की है, जिसमें स्पष्ट रूप से कई अन्य अनियमितताओं का उल्लेख यहां पर किया गया है। सूत्रों ने कहा है कि इनमें से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बैठक में 3 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि जज ने सैकड़ों करोड़ों रुपए की हेर फेर को लेकर के बेहद ही गंभीर टिप्पणी की है। सूत्रों ने बताया है कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई फाइलें गायब हैं जिन्हें उनके बार बार अनुरोध के बावजूद उनके सामने नहीं पेश किया गया है दोस्तों। बताते चलें कि राज्य में कोविड के दौरान कुल खर्च 13,000 करोड़ रुपए था। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा बताया नहीं गया, लेकिन सूत्रों ने बताया कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए की हेर फेर यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों यहां पर यही है भाजपा की असली सच्चाई, भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने निकल के आया है। अब देखना यह होगा कि क्या यहां पर ईडी और सीबीआई कोई कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी तक तो यही देखा गया है कि भाजपा चाहे 1,000 करोड़ का घोटाला करे या चाहे जितना बड़ा घोटाला सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां, कोई भी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आई है सत्ताधारी नेताओं पर। यह खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, कांग्रेस की सरकार ने बड़ा बिल पास किया, अब दल बदलू नेताओं की खैर नहीं। हिमाचल प्रदेश में अयोग्य विधायकों की पेंशन होगी बंद, अब जो भी विधायक पाला बदलेगा और अयोग्य करार दिया जाएगा उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। पेंशन बंद करने वाला संशोधित विधायक विधानसभा से पास हो गया। इस तरह का प्रावधान करने वाला हिमाचल प्रदेश बना है देश का पहला राज्य। हाल ही में ऑपरेशन लोटस को यहां पर विफल किया गया था कांग्रेस की तरफ से। हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा ने कई विधायकों को तोड़ा, लेकिन जनता ने कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस की सरकार बची। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर न है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।